यहाँ देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकला मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फेरारी J50 कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OpenAV को इंस्टॉल कर लीजिए। OpenAV को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मॉड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको पिन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस स्मार्ट फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद HCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्सट्रा किया वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ फेरारी J50 का फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्सट्रा किया वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ रीडमी नाउ का एक टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स फेरारी J50 आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद OpenAV को ओपन कीजिए। OpenAV ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मार्स में जाइए। उसके बाद अपडेट डॉट RPF कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक चीज दिख रहा है ना, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल नेम आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, J50। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो फेरारी J50 कार आ गई है। ये हम देख सकते हो। हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। फेरारी का लोगो, फेरारी की बैजिंग। चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं। मैं आपको इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। हम देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है।
इसके हेडलाइट्स। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। इस कार के रूफ को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये हम देख सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रास भी मिल जाएंगे, ये हम देख सकते हो। इसके विंडोज को आप रिमूव भी कर सकते हो। चलो अब मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। ये हम देख सकते हो, मैंने इस कार के सब डोर्स को ओपन कर दिया है। ये हम देख सकते हो इस कार का इंजन। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को क्लोज कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नाइट का लुक देख लेते हैं। ये हम देख सकते हो इस कार का नाइट का लुक, इसके हेडलाइट्स, इसके DRLs आप देख सकते हो। इसके इंडिकेटर्स, चलो अब हम इस कार का साउंड और इस कार की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। वन थर्टी, वन फोर्टी, वन फिफ्टी, वन सिक्सटी, वन सेवेंटी, वन सेवेंटी फोर। ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।